जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए मनोहर लाल खट्टर रविशंकर प्रसाद बोले हरियाणा में एक ही होगा डिप्टी सीएम। गवर्नर से मिलकर सीएम खट्टर ने सरकार बनाने का पेश किया दावा, कल दोपहर 2 बजे ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खट्टर को गुलदस्ता भेंट कर दी बधाई, अनिल ब्रिज और कंवर पाल ने मनोहर लाल के नाम का रखा प्रस्ताव। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने का रास्ता साफ, 2 हफ्ते के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए पिता अजय चौटाला। हरियाणा में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की बढ़ाई गई सुरक्षा, घरों पर भी तैनात किए गए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। गोपाल कांडा को पार्टी में शामिल करने से बीजेपी ने किया किनारा, उमा भारती समेत कई भाजपा नेता जता चुके हैं विरोध। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने छोड़ी जननायक जनता पार्टी, कहा दुष्यंत चौटाला ने भाजपा का साथ देकर किया है विश्वासघात। मुंबई में शिवसेना मुख्यालय में पार्टी के नए विधायकों की हुई बैठक, महाराष्ट्र में 50-50 के फार्मूले पर हुई गहन मंत्रणा। शिवसेना नेताओं ने आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की उठाई मांग, लिखित आश्वासन मिलने पर ही भाजपा को देंगे समर्थन। मोदी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कहा किसानों के पेट पर लात मारकर मित्रों की भर रही है जेब। यूपी के सीएम योगी ने इमरजेंसी सेवा 112 डायल का किया शुभारंभ, आज से 112 डायल करने पर मिलेगी पुलिस फायर और एम्बुलेंस की सुविधा। डायल 112 के साथ वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा भी जुड़ी, यूपी में आज से बंद हो गई पुलिस की इमरजेंसी सेवा 100 डायल। सीएम योगी ने अपने लखनऊ आवास पर साधु संतों से की मुलाकात, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अयोध्या पर संयम बरते साधु संत। झारखंड में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का विवादित बयान, कहा बीजेपी उम्मीदवार अपराधी क्यों न हो, उनका समर्थन करो। बेनामी संपत्तियों पर मोदी सरकार कसने जा रही है शिकंजा, आधार से संपत्तियों को लिंक करने का बनाया मास्टर प्लान। ईओडब्ल्यू ने दवा खरीद में करोड़ों के घोटाले का किया खुलासा, मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में खरीदी गई थी दवा। बाहरी मजदूरों पर हो रहे हमलों पर बोले भाजपा नेता राम माधव, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सख्ती से निपटेगी सेना। छत्तीसगढ़ में किसानों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका, प्रदेश सरकार के मूल पर धान खरीदने से किया इनकार। कांग्रेस सरकार ने बोनस और 2,500 रुपए क्विंटल का दिया रेट, केंद्र ने कहा प्रदेश के रेट पर नहीं खरीदा जा सकता है धान। पीएस श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया मिजोरम का राज्यपाल, वर्तमान में केरला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है पिल्लई। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल, अगले सत्र से 3 साल के बच्चों को मिलेगा प्रवेश। विधायक खरीद प्रोक्त में सीबीआई रिपोर्ट से उत्तराखंड में हलचल तेज, पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम है शामिल। मोदी सरकार में अधिकारियों का बड़े स्तर पर हुआ तबादला, संयुक्त सचिव स्तर के 29 आईएएस अधिकारियों के बदले कार्य क्षेत्र। बिहार सरकार आज से शुरू करेगी जल जीवन हरियाली मिशन, जिले से पंचायत तक लाइव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बुजुर्ग महिला और पुरुष। सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर मनीष तिवारी ने चला दांव, बोले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी मिले देश का सर्वोच्च सम्मान। 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान, मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए अगले चुनाव में मिलेगी सहूलियत। सीएम ममता के आवास पर काली पूजा में शामिल होंगे राज्यपाल, जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री के निमंत्रण को किया स्वीकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले हफ्ते 19 कंपनियों को देंगे सीएसआर पुरस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हुआ है चयन। राजस्थान में 1 नवंबर से शुरू होगी मूंग उड़द की सरकारी खरीद, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को मिला लाभ, 3 किस्तों में जारी किए गए 2,075 करोड़ रुपए। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी की करारी हार पर बोले आप नेता संजय सिंह, कहा क्षेत्रीय दलों की मजबूत मौजूदगी बनी हमारी हार का कारण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, बोले अपनी भलाई चाहता है तो आतंकवादी गतिविधियां त्यागे पाकिस्तान। सरकार ने आरटीआई नियमावली को किया अधिसूचित, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर किया 3 साल। पंजाब सरकार ने प्राकृतिक गैस पर वैट घटाकर किया 3%, प्राकृतिक गैस पर सबसे कम वैट लेने वाला बना उत्तरी राज्य।
सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करना पड़ेगा महंगा, राजस्थान पुलिस आरोपियों को लगाएगी हथकड़ी। कर्नाटक में अयोग्य घोषित विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी, कांग्रेस ने की मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग। पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 किलोमीटर पैदल चली ममता बनर्जी, लोगों से की हरियाली बचाने और स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील। 1 नवंबर को भारत यात्रा पर आएंगी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, पीएम मोदी के साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर करेंगी चर्चा। पाकिस्तान में इमरान खान के इस्तीफे की मांग हुई और तेज, आजादी मार्च पर बिना किसी नतीजे के खत्म हुई सरकार और विपक्ष में वार्ता। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों के साथ दिवाली मनाकर गिफ्ट देंगे भाजपा नेता, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं को दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के ट्रस्ट मंडल में होगा आयुष्मान भारत योजना का संचालन, सीएम भूपेश बघेल ने लगाई मुहर, बीमा कंपनी की नहीं होगी कोई भूमिका। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का संपूर्ण संचालन करेगी राज्य सरकार, भूपेश बघेल बोले लोगों को स्वास्थ्य योजना का मिलेगा सीधा फायदा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने मंत्रियों को दिया खास निर्देश, जिले का दौरा करते समय स्कूल अनाथ आश्रम में करें दोपहर का भोजन। राजस्थान की 49 नगर पालिकाओं में 16 नवंबर को होंगे मतदान, 19 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ आएंगे चुनाव परिणाम। महाअभियोग पर ट्रंप के समर्थन में आई रिपब्लिक नेशनल कमेटी, जांच को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण बताते हुए की निंदा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारतीय फैंस को T20 विश्व कप का दिया न्योता, पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमियों के जाने का दिया आश्वासन। धोनी के आलोचकों पर जमकर भड़के टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, कहा माही की आलोचना करने वाले जूते के फीते तक नहीं बांध सकते। हड़ताल खत्म कर मैदान पर लौटी बांग्लादेश क्रिकेट टीम, भारत के दौरे के लिए कोच के साथ शुरू की तैयारियां। श्रीलंका के खिलाफ T20 से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका, चोट के चलते सीरीज से बाहर हुए तेज गेंदबाज एंड्रयू ट्राई। पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान बनते ही बाबर आजम का बयान, कहा ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए कोहली विलियमसन का करेंगे अनुसरण। देखते रहिए जनप्रभात सुपरफास्ट, नमस्कार।